इस प्लानर शीट से डेट कम करती रहना, तुम्हें वक्त गुजरने का एहसास नहीं होगा। मेरा दिल हर एहसास से बेनियाज हो चुका है। कभी किसी और के बारे में भी सोच लिया करो, तुम्हारा दामन खुद खुशियों से भर जाएगा। और जो मैंने खोया वो कौन लौटाएगा? इस प्लानर शीट के बगैर भी मेरा वक्त गुजर ही रहा है। ये सच है कि हम वक्त समेत किसी भी जज्बे को गिरफ्त नहीं ले सकते, हर चीज इंसान के हाथ से निकल जाती है। जिंदगी के सिवा सब कुछ मुट्ठी को बंद करके गिफ्ट में रखा जा सकता है। हर जज्बा, हर रिश्ता अगर दांव पे लगाने के लिए सोच लिया जाए तो फिर इंसान खाली हाथ ही रह जाता है। तुम्हारा कहना गलत नहीं है, मेरी बेरुखी मुझे एक तरफ अपने मकसद में कामयाब कर रही है, मैं दूसरी तरफ तुमसे बहुत दूर। अच्छा मैंने जा रहा हूँ। जब से शादी हुई है मेरा बेटा कितना मुरझा गया है। अब आएगा मजा, अफशान से शादी के वक्त हम ढोलक भी करेंगे और गाने भी गाएंगे। कुछ तो रहम करें भाई पर, वैसे ही उन पे इतनी जिम्मेदारियां हैं। चुप कर जल कुकड़ी। अरे बहनों के भी कोई अरमान होते, ये क्या हुआ सुबह को ऑफिस गए और शाम को दुल्हन ले आए। इस दफा तो मैं अपने सारे दिल के अरमान पूरे करूंगी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई। खैर से जाओ, खैर से आओ। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे, अल्लाह के हवाले बेटा। इस घर से नहीं निकलेगी ना तो मेरा घर नहीं बच सकेगा। गिरगिट भी अपना रंग बदलने में वक्त लेता है, मगर आप देख रही हैं इसे, देख रही हैं कैसे कैंची की तरह ज़बान चला रही है अपनी। समझा समझा कर थक गई, अगले घर जाओगी तो जूते खाओगी। अम्मी अभी भी वक्त है, सोच ले। अफशा बहुत तेज लड़की है, आप ही तो अपने ससुराल से निकालने के लिए उसे अपनी आसानियाँ देख रही है ना सिर्फ। मनहूस तुझे तो मेरी कोई भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तौबा, कितनी बदजन हो गई है ये। दूसरों को दुख देकर खुशी हासिल करना कहाँ की इंसानियत है। देख ले इसको अम्मी, आप बस कर जाओ, बस कर जाओ। ऐसे खुशी के मौके पर तुम दोनों ने किलकिल डाली हुई है, जाओ जाके अपना काम करो। मुबारक हो, मुंह मीठा करो। आपा, जीशान की मंगनी की तारीख पक्की हो गई है। क्या? देखो मरियम, मैं मानती हूं कि कोई भी औरत अपनी शौहर की शराकतदारी नहीं बर्दाश्त कर सकती, लेकिन तुम्हारी इस कुर्बानी से मेरा और अफशां का घर बस रहा है। मेरी बच्ची तुम्हें दुआएं देगी। और मेरे बच्चे का क्या होगा? उसका क्या होना है, वो तो बड़ा खुशनसीब होगा, उसकी तो दो दो माएं होंगी। कांटे का मुकाबला चलेगा। तुम और अफशान दोनों जीशान से प्यार करती हो, अब ये देखना है कि किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना,
तो मैं कौन सा अखाड़े वाले मुकाबले की बात कर रही हूँ? देखो जिस घर में दो दो बीवियां होती हैं उधर तो ये खुद ब खुद हो जाता है। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। ज़ीशान मेरी आंखों के सामने किसी और का हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। वैसे कोर्ट मैरिज का तो नुकसान तुमने देख लिया। अफशा अपने मैके की दुआएं ला रही है इस घर में। खुदा ना खास्ता कल को कोई ऊंच नीच होती है तो उस घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। सच कह रही है, मुझसे बेआसरा भी कोई ना होगा। देखो मरियम, मर्द तो चार चार शादियां कर लेते, ज़ीशान तो अपनी बहन का घर बसाने के लिए दूसरी शादी कर रहा है। हबी मत रोए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बात को समझे। मत रोए भाभी प्लीज, सिर्फ आज रोए मेरे साथ ही। पता नहीं इस घर में सबको क्या हो गया है, किसी को किसी का कोई ख्याल ही नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है। सब कुछ मेरी तकदीर में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। भाभी इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते, आप ठहरे में बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा है। भाई इतने मजबूर क्यों हो गए? मैं बात करती हूँ भाई से। देख लो तुम, कोई फायदा नहीं। दिल को ढारस हुई कि मेरे बाद मरियम का ख्याल सानिया तो रखेगी। बेशक अल्लाह बहुत बड़ा। भाई मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, मैंने पहले ही कहा था शान बहुत चेंज हो चुका है। भाभी इतनी जल्दी बदगुमान ना हो जाए करें, हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो। मेरी जात को मिटा कर पता नहीं क्या साबित करना चाह रहा है। भूल रहा है कि मैं खाली उसकी बीवी नहीं, उसके बच्चे की माँ भी बनने जा रही हूँ। भाभी भाई बहुत अच्छे हैं, बस कभी कभार इंसान खुद बहुत मजबूर हो जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। क्या कुर्बानी देना सिर्फ औरत का ही काम है? मैं तो कहती हूँ कि मर्द भले कुर्बानी ना दे, मगर कुर्बानियों की कदर करे, बस यही काफी। काश ज़ीशान जब मुझे एक बार मेरा कसूर बता दे, सिर्फ एक बार। अभी हौसला करें, अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। और प्लीज ना रोएं अभी। मैं फोन करती हूँ बात फिर से। आप अपना और अफशा का घर बसाना चाहती हैं, उनको तो इस बात की खबर ही नहीं कि मेरी तो दुनिया उजड़ने वाली है। मैं क्या ढोल ढमाका लगाया बगैर है बेटा, अगले हफ्ते अफशा की मंगनी है। खैर से एक हफ्ता है अम्मा उसमें अभी। तुम तो कमाल करते हो भाई, मेरी एक ही बेटी है, कोई सात आठ बेटियां नहीं है, और अब खैर से वो भी रुखसत होके चली जाएगी तो मेरा तो घर का आंगन सूना हो जाएगा। कौन सा सात समंदर पार जा रही है अम्मा, यही तो होगी, जब दिल चाहेगा आ जाएगी मिलने। अरे बेटा बाबुल के घर की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा खैर मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि पैसों का बंदोबस्त रखना, ये ना हो कि वक्त पर बगले झांकने लगो। हो जाएगा अम्मा हो जाएगा, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? और हाँ सुनो, अपना खूंटा मजबूत रखना, ये ना हो कि बहन की शादी होते के साथ ही भीगी बिल्ली बन जाओ।
अरे अम्मा, खूंटा तो पहले से ही मजबूत है और अब तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। खैर, ज़ीशान राजी हो गया? जाहिर सी बात है, राजी हुआ होगा, तभी तो मुंह मीठा कराया है। बस फिर तो मैं सफिया को ऐसे काबू में रखूंगा कि अफशा सारी जिंदगी अपने ससुराल में चैन से रहेगी। अरे बस रहने दो, रख लिया तुमने। बीवी के सामने तो तुम ऐसे मी 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 करने लग जाते हो। अरे काबू में तो मैंने रखा हुआ है बहू को, वरना कब की हाथों से निकल गई होती। खाना वाना लगवाओ, खाना खाओगे? नहीं। चलो बच्चो, गाओ ना, तुम क्यों खामोश हो गए? गाओ गाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आराम करो। बिजी हूँ जरा बेटा। पापा मेरी कार टूट गई है, मुझे नहीं ला दे। ओके। पापा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। हम प्यार भी नहीं करते, आप हर रोज डांटते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा ना मैं बिजी हूँ, शाम को आऊंगा तो शॉप पे चल लेंगे। ओके? आप पक्का वादा करें कि आप जरूर आएंगे? हना साहब मुझे तंग कर रहे हैं। बिलाल क्या हो गया? क्यों डांट रहे हैं आप बच्चे को? आप तो इसे बहुत प्यार करते हैं। दुनिया में प्यार करने के अलावा और भी बहुत सी झंझट हैं। अच्छा आप नाराज ना हो, आप ये बताएं आप कब आएंगे? पता नहीं, देखता हूँ, टाइम मिला तो आऊँगा। मतलब अपने घर आने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा? क्या घर, क्या घर घर की रट लगाई हुई तुमने राहिला? हो सकता है कि मैं ना आऊँ? दुनिया में हर पल हालात बदलते रहते हैं। लगता है मामू वाली बात भूले नहीं है आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताएं क्या बात है? अब हर बात तुमको बतानी पड़ेगी। पहले तो हमारे दरमियान इतने फासले नहीं थे। मैं इस वक्त तुमसे बहस नहीं करना चाहता, घर आके बात करूंगा। ओके? आपा ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारा कमरा खाली कर रही हूँ और क्या? लेकिन ये तो मेरा कमरा। देखो अब तुम सानिया के साथ रहोगी उसके कमरे में। साफ साफ बात है, ज़ीशान तो अब अपनी नई दुल्हन के साथ रहेगा। और ये तो हमारा पहले से ही प्रोग्राम था कि सानिया की रुखसती हम ज़ीशान के वलीमे के साथ ही कर लेंगे। अब राजम और उसकी अम्मा कुछ दिन के लिए कहीं बाहर गए हुए, वापस आएंगे तो शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। जब तक तुम सानिया के साथ रह लो उसके कमरे में, उसके बाद वो कमरा तुम्हारा हो जाएगा। अब जहाँ तुमने इतना हौसला किया है तो थोड़ा सा दिल भी बड़ा कर लो, हम कौन सा तुम्हें घर से निकाल लें। अब शादी के बाद ज़ीशान किसके साथ ज़्यादा रहे ये मुझे नहीं पता, लेकिन नई शादी है तो दुल्हन भी तो नई अच्छी लगेगी ना।